मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि सर्जेंट एली के साथ खेल रही होती है। ये बच्ची यानी कि नीरा जो कि एम्बेसडर की बेटी है जिसको प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी एली को मिली है। एली नीरा के साथ बहुत घुल मिल गई होती है। वो उसे खाने के लिए एक कैंडी देती है। यहाँ उनका काम खत्म होता है और वो जा रहे होते हैं। रस्ते में नीरा एली को और एक कैंडी मांगती है। इस दौरान एली को जंगल में कुछ लोग दिखते हैं तो वो सबको अलर्ट कर देती है, पर जब उन्हें कोई नहीं दिखता तो वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। तभी अचानक जंगल से एक आदमी आके रॉकेट लॉन्चर से उनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे पहली गाड़ी उड़ जाती है तो इन्हें रुकना पड़ता है। फिर मौका देखकर जब ये जाने की कोशिश करते हैं तो वो दूसरी गाड़ी को भी उड़ा देते हैं, जिससे इनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और अपनी तरफ बहुत सारे आदमियों को आते देख ये सब उन पर गोलियां चलाते हैं, पर धीरे धीरे सारे गार्ड्स मारे जाते हैं। फिर एली बाकी बचे कुछ आदमियों को मार देती है, लेकिन एक कहीं पर छुपा हुआ होता है जो अचानक से आके उन पर रॉकेट चला देता है, जिससे नीरा और उसकी माँ की मौत हो जाती है और एली धमाके की वजह से दूर जा गिरती है। फिर एली अचानक से नींद से जग जाती है और हमें पता चलता है कि वो उस इंसिडेंट के बाद न्यूयॉर्क में आके रह रही है और वो डिप्रेशन में भी होती है। उसके बाद वो जाके अपने अंकल पैट से मिलती है और वो उसे एक डोरमैन की जॉब ऑफर करते हैं जो कि उन्हीं के होटल में होती है। वहाँ एक आदमी एज ए डोरमैन काम कर रहा होता है जिसका नाम बॉज है। सुबह काम के वक्त एली को मिसेस हर्च मिलती है, जिनसे उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर का हस्बैंड और उनके दो बच्चे वहीं पास में रह रहे होते हैं, तो एली उनसे मिलने चली जाती है। वहाँ वो जॉन यानी उसके सिस्टर के हस्बैंड से बात कर रही होती है, तभी उनकी बिल्ली जेस्पर घर से भाग जाती है, तो एली लिली और मैक्स के साथ उन्हें ढूंढने जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस जगह में बहुत सारे खुफिया डोर्स हैं और मैक्स को इन सब की काफी नॉलेज होती है, क्योंकि वो जब बॉय स्काउट्स में था तब उसने यहाँ की बहुत सी ब्लूप्रिंट्स कलेक्ट की थी। अगले दिन ईस्टर सेलिब्रेशन होता है। एली इन लोग के साथ डिनर कर रही होती है और उधर हम बॉज को देखते हैं जो अंकल पैट को हथौड़े से मार देता है। इधर लिली ने एली और उसके फादर की फोटो से एक ड्राइंग बनाई होती है जो कि एली को बहुत पसंद आती है और वो उसे फोटो के साथ फ्रिज में लगा देती है। उधर हम कुछ आदमियों को आते देखते हैं जो कि बॉज के साथी होते हैं और इन सब का लीडर होता है विक्टर डुबोस। यहाँ पता चलता है कि बॉज यहाँ काफी दिनों की प्लानिंग से रह रहा था। ये लोग यहाँ कुछ ढूंढ रहे होते हैं। ये लोग सीधे मिस्टर एंड मिसेस हर्च के घर पर आते हैं और विक्टर बताता है कि वो मिस्टर बर्नर्ड के साथ 30 साल पहले बर्लिन में काम करता था और बर्नर्ड वहां पर नाम बदल के एरिक ट्रेसलर बन के गया था। फिर विक्टर बर्नर्ड से पूछता है कि 1995 से 2015 तक तुमने 4 पेंटिंग्स बेची थी जिनका एड्रेस तुमने यहीं कैरिंगटन में दिया था, वो कहां पर है? तो मिसेस हर्च बताती हैं कि उनके हस्बैंड को 7 साल पहले एक स्ट्रोक आया था, तो डॉक्टरों ने कहा था कि उनको एकेनेटिक म्यूटिज्म हुआ है, इसलिए वो मुश्किल से ही कुछ बोल पाते हैं। विक्टर के बार बार पूछने पर भी जब बर्नर्ड कुछ नहीं बताते तो बॉज उन पर चाकू से 2 बार स्टैब करता है, तो बर्नर्ड बड़ी मुश्किल से बता पाते हैं कि उस पेंटिंग को उन्होंने दीवारों में छुपा दिया था। जब इस घर की दीवारों को तोड़कर ढूंढा जाता है तो वहां पर कुछ भी नहीं मिलता, तो मिसेस हर्च बताती हैं कि हम लोग यहाँ 7 साल से रह रहे हैं, अगर कुछ होता तो मुझे पता होता। तो विक्टर बताता है कि मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से तो आप लोग यहाँ 30 साल से रह रहे हैं। तो मिसेस हर्च कहती है कि नहीं, हम पहले टेंसी में रहते थे, इनके स्ट्रोक के बाद हम लोग यहाँ ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट कर लिए। फिर वो लोग टेंसी की तरफ चले जाते हैं और जाते हुए बॉज इन दोनों को मार देता है। टेंसी जो कि एली के सिस्टर के हस्बैंड का घर है। कुछ देर बाद एली लिली के लिए मिसेस हर्च के घर मिंट सॉस लाने जाती है, तो वो वहाँ उन लोग को मरा हुआ देखकर बॉज को इन्फॉर्म करती है, तो बॉज उसे लॉबी में आने के लिए बोलता है। जब वो लॉबी में आती है तो बॉज उसे मारने ही वाला होता है कि पीछे से अंकल पैट जो कि अभी तक मरे नहीं होते वो बॉज के ऊपर लकड़ी से हमला कर देते हैं, पर इस बार बॉज उन्हें गोली मार देता है। फिर बॉज एली की तरफ मुड़ता है पर एली वहां से भाग जाती है। इधर विक्टर और उसके साथी टेंसी को ऑक्यूपाइड कर लेते हैं और विक्टर उनके घर में लगी पेंटिंग्स की तारीफ कर रहा होता है, तो जॉन बताता है कि वो एक प्रोफेसर है, वो कोलंबिया में पेंटिंग्स के बारे में पढ़ाता था। इस दौरान मैक्स अपने रूम से निकलता है। जॉन उसे देखकर आने के लिए मना कर देता है, तो मैक्स अपने रूम में जाके वहाँ के सीक्रेट डोर से बाहर निकल जाता है।
वो लोग घर में पेंटिंग्स को ढूंढना चालू कर देते हैं और इधर इनका एक आदमी एली के पीछे पड़ा होता है। एली एक रूम में चली जाती है जहां बहुत सारे प्लास्टिक के सीट्स लगे हुए होते हैं। एली चुपके से उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है। इन दोनों की आवाजें सुनकर मैक्स उनकी तरफ चला आता है। मैक्स एली को सब कुछ बताता है और इधर जब बॉर्च अपने आदमी से कांटेक्ट नहीं कर पाता तो वो उसे ढूंढने के लिए और दो आदमियों को भेजता है। उन्हें उनके आदमी की डेड बॉडी वहां मिल जाती है। वहां पर मैक्स और एली छुपे हुए होते हैं और मैक्स गलती से एक डिब्बे से टकरा जाता है। वो लोग इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं पर मैक्स और एली एक सीक्रेट डोर से दूसरे रूम में चले जाते हैं। इधर विक्टर एली के बारे में पूछता है तो बॉर्च बोलता है कि एली इन लोग के साथ ईस्टर डिनर पर आई थी। तो विक्टर जॉन से पूछता है। जॉन बोलता है कि उसने हमारे बच्चों की मदद की थी हमारे बिल्ली जेस्पर को ढूंढने में, इसीलिए हमने उसको ईस्टर डिनर पर बुलाया था। विक्टर फिर बॉस से एली का पूरा नाम जानकर इंटरनेट पे सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि एली गोस की एक मिलिट्री सर्जेंट है जो कि यहाँ अभी डोरमैन का जॉब कर रही है। ये जानकर विक्टर सोचता है कि एक सर्जेंट आखिर यहाँ डोरमैन की जॉब क्यों कर रही है। उधर हम रूम में देखते हैं मैक्स एली को बताता है, जब मेरे मॉम डैड थिएटर से वापस आ रहे थे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी फिसल के झील में जा गिरी। डैड गाड़ी से तो निकल आए पर मॉम नहीं आ पाए। एली कहती है आई एम श्योर तुम्हारे डैड ने पूरी कोशिश की होगी। मैक्स कहता है मैं फोन पे मॉम से बात कर रहा था, मैंने सब सुना, उनको और कोशिश करनी चाहिए थी। एली कहती है तुम्हें अपने मॉम की मौत का जिम्मेदार अपने डैड को नहीं मानना चाहिए। तो मैक्स गुस्से में जोर से बोल देता है कि नहीं, उनको और कोशिश करनी चाहिए थी। तो आवाज रूम से बाहर चली जाती है और उन आदमियों को पता चल जाता है। मैक्स गुस्से में रूम से बाहर जाने लगता है। वो लोग उसे देख लेते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं। तो ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इधर विक्टर को बुक सेल्फ में एक सीक्रेट तिजोरी मिलती है। उसे लगता है कि वो पेंटिंग्स जरूर यही होंगी। तिजोरी के लॉक होने पर वो उसे ड्रिल मशीन की मदद से खोलने में लग जाते हैं। जॉन विक्टर को वाइन के लिए पूछता है। विक्टर के हाँ कहने पर पास में पड़े लैपटॉप को चालाकी से अपनी बेटी को दे देता है ताकि वो उसमें से कांटेक्ट करके मदद बुला सके। जॉन विक्टर को बातों में उलझाए रखता है ताकि उनकी नजर लिली पर ना पड़े, पर पीछे से वॉज आते हुए लिली के हाथ में लैपटॉप देख लेता है तो वो मैसेज नहीं भेज पाते। फिर एली और मैक्स फायर अलार्म को ऑन कर देते हैं पर वहाँ वॉज उन्हें पकड़ लेता है और जो फायर ब्रिगेड वाले वहाँ आते हैं तो वो एली और मैक्स को छुपा देता है और फॉल्स अलार्म बोल के उन्हें वापस भेज देता है। उन सब के जाने के बाद जब बॉर्ज एली को मारने आता है तो एली और मैक्स किसी तरह से इनसे बच के भाग जाते हैं। एली मैक्स को बाहर जाके मदद लाने को भेज देती है और उनके पीछे जो आदमी पड़े होते हैं एली उनको दूसरी तरफ ले जाती है। जब उनकी लड़ाई होती है तो एक आदमी पानी में गिर जाता है और वहां बिजली का तार गिरा होता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। एली दूसरे आदमी को मार रही होती है तभी बॉर्ज वहां आकर उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है तो एली को भागना पड़ता है। इस दौरान उसके बाजू में एक गोली लग जाती है। उधर मैक्स घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और पास में एक ऑफिसर को देखता है तो वो उससे मदद मांगने जाता है पर वो ऑफिसर भी इन लोग के साथ मिला हुआ होता है। मैक्स के पास गन होती है तो वो उस ऑफिसर की तरफ पॉइंट करता है पर उसकी गोली चलाने की हिम्मत नहीं होती और वहाँ मैक्स पकड़ा जाता है। फिर हम एली को देखते हैं, उसे गोली लगने की वजह से वो नीचे बैठी होती है। इधर मैक्स के पास एक स्विच होता है, वो उसे यूज करके एली को मॉर्स कोड के जरिए मैसेज भेजता है कि वाटर कनेक्शन को बंद कर दो तो ड्रिलिंग बंद हो जाएगी और एली वाटर कनेक्शन को बंद कर देती है। इधर इनको बस एक लास्ट लॉकिंग सिस्टम को तोड़ना था पर वाटर के ना होने पर वो कुछ नहीं कर पाते तो वो उनके एक आदमी को नीचे चेक करने भेजते हैं। उधर एली वहाँ कुछ केमिकल्स का यूज करके बम बना लेती है। जब वो आदमी वहाँ आता है तो उसे एक बम का ट्रिगर दिख जाता है और वो उससे बच जाता है पर जब वो पानी चालू करने उसके पास जाता है तो और एक बम से मारा जाता है। एली उस आदमी के वॉकी टॉकी से बॉर्च को वार्न करती है कि अब तुम्हारी बारी है। यहाँ विक्टर को फ्रिज में लिली की बनाई ड्राइंग मिल जाती है जहाँ एली और जॉन की फोटो भी होती है। इससे विक्टर को पता चल जाता है कि एली इन्हीं की फैमिली मेंबर है। विक्टर एली को बोलता है अगर तुमने पानी चालू नहीं किया तो अगले हर 10 मिनट में तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य का हाथ पैर काट दिया जाएगा। पर बम के फटने से पानी का कनेक्शन तबाह हो गया था। एली के पास और कोई चारा नहीं बचता तो उसे खुद को सरेंडर करना पड़ता है। फिर वो एली को ऑफिसर के साथ पानी चालू करने छत पर भेजते हैं।
पानी के चालू हो जाने पर वो लास्ट लॉकिंग सिस्टम को भी तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उनको वो पेंटिंग्स मिल जाती है। इधर एली और उस ऑफिसर की लड़ाई होती है और एली बड़ी मुश्किल से उस ऑफिसर को मार देती है। ये कह रहा वेगियो की पेंटिंग्स हैं जो कि काफी कीमती होते हैं। बातों बातों में जॉन बॉर्ज को बता देता है कि इनकी कीमत लगभग 60 to 80 million dollars है। बॉर्ज पूछता है इन सबकी कीमत 80 million है, तो जॉन बोलता है सबकी नहीं बल्कि हर एक की कीमत 80 million तक हो सकती है, पर विक्टर ने बॉर्ज को इनकी कीमत 5 million बताई थी। बॉर्ज भी एक ग्रेनेड का पिन निकाल लेता है और विक्टर को बोलता है कि हम दोनों का 25-25% और बाकी 50% तुम्हारा। विक्टर को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। ये लोग जा ही रहे होते हैं और तभी एली छत में लगे ग्लास को तोड़कर इनके ऊपर हमला कर देती है और उनके एक आदमी को गन पॉइंट पे ले लेती है और बॉर्ज मैक्स को गन पॉइंट पे ले लेता है, पर बॉर्ज अपने ही साथी को मार देता है। तभी जॉन बॉर्ज का गन छीनने की कोशिश करता है पर बॉर्ज उसको गोली मार के ग्रेनेड को फेंक कर भाग जाता है, तो जॉन टाइम रहते ग्रेनेड को रूम से बाहर फेंक देता है और इन सब की जान बच जाती है। गोली जॉन के किसी वाइटल ऑर्गन्स पर नहीं लगी इसलिए जॉन की जान बच जाती है। इन सब इंसिडेंट्स के बाद मैक्स रियलाइज करता है कि उसके डैड वैसे नहीं है जैसे कि वो सोचता था। गन और ग्रेनेड की आवाज सुन के वहाँ पुलिस भी आ जाती है। उनके सामने जब बॉर्ज जाता है तो वो खुद को विक्टिम बताता है, तो पुलिस उसे वहां से जाने बोल देती है, पर जब एली उनके सामने आती है तो उसके हाथ में गन होता है इसलिए पुलिस उसे जाने नहीं देती। पुलिस ने इस जगह को घेर लिया होता है तो बॉर्ज और विक्टर बाहर जाने के लिए अंडरग्राउंड का रास्ता चुनते हैं और वहां वो नीचे की दीवारों को बम से उड़ा देते हैं। धमाका होने पर एली को भागने का मौका मिल जाता है। एली बॉर्ज और विक्टर को मारने उनके पीछे जाती है पर बॉर्ज लालच में आके विक्टर को पहले ही मार देता है। एली और बॉर्ज जब आमने सामने आते हैं तो दोनों आपस में गोलियां चलाते हैं। जब उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वो आपस में लड़ते हैं। इस दौरान एली उस पेंटिंग्स को फेंक देती है और वो सब खराब हो जाते हैं। ये देख बॉर्ज गुस्से में एली को और मारने लगता है, फिर एली मौका देख के ग्रेनेड का पिन निकाल देती है और उसके धमाके से बॉर्ज उड़कर बड़े से पंखे में लटक जाता है और वहीं मारा जाता है। एंडिंग सीन में जॉन और उसका परिवार ये जगह छोड़कर जा रहे होते हैं। लिली एली से गले मिलती है। एली उसे एक मिंट सोच देती है, फिर जॉन एली से पूछता है अब तुम क्या करोगी। एली बताती है अब डोरमैन की जॉब तो नहीं करूंगी। जॉन बोलता है जब भी तुम्हें ठीक लगे हम लोग के पास लंदन चले आना, इस घर की मरम्मत होने के बाद हम यहाँ वापस आ जाएंगे। आखिर में मैक्स एली से गले मिलता है और वो लोग चले जाते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं।